सो हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैंडिडेट्स, यहाँ पर देखिए आपका आईबी जीआईओ की तरफ से आपकी वैकेंसीज आ चुकी है। आईबी आपका यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो रहता है एंड जीआईओ जो कि आपकी पोस्ट है, यानी कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये आपकी ग्रेड टू की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपकी 797 रहने वाली है, ठीक है कैंडिडेट्स। एंड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात है वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी 3 जून से आपका एप्लीकेशन लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर जो लास्ट डेट रहने वाली है ये आपकी 23 जून रहने वाली, तो उससे पहले जो है आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो जो मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है वो 18 इयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 27 इयर्स रखी गई है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एंड साथ में यहाँ पर देखिए जो जनरल कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पर कोई भी एज रिलैक्सेशन है जो वो नहीं मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है और जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज आपकी कौन सी डेट को काउंट होगी, तो ये आपकी 23 जून को काउंट की जाएगी, यानी आपकी जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है वो आप उस डेट से कंपेयर करके आप लोग पता कर सकते हैं कि आपकी मिनिमम एज 18 हो चुकी है या फिर जो मैक्सिमम एज है वो 27 क्रॉस तो नहीं कर गई है, ठीक है कैंडिडेट्स। अब देखिए जो नेक्स्ट है ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है बट मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इसमें सिर्फ जो साइंस स्टूडेंट है सिर्फ वो ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, बाकी के जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड साइंस स्टूडेंट में भी देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों की यहाँ पर बैचलर्स डिग्री हुई है, मतलब आप लोगों ने की है साइंस में, तो वो आपका कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम में ही होना चाहिए, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में होना, या अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया या फिजिक्स या मैथमेटिक्स से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर आपने आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट हुई है, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से की है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट जो है वो अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड यहाँ पर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर इनमें से अगर आपने किया है तो ही आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ देखिए, जो स्टूडेंट्स को जो डाउट आएगा वो ये आएगा कि सर हम लोग फाइनल ईयर में हैं या फिर अभी हमने अपने एग्जाम्स दिए हैं तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अगर आप लोगों का जो रिजल्ट है फाइनल सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट है अगर वो आपका 23 जून से पहले आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके टोटल 3 स्टेजेस रहने वाले। जो स्टेज 1 रहेगा वो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका MCQ फॉर्मेट में रहने वाला है। टोटल यहाँ पर देखिए आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी जो ड्यूरेशन यहाँ पर आपको मिलेगी वो आपको 2 आवर्स मिलने वाली है। साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर आपकी 1/4 रहने वाली है, तो 1/4 ऑफ मार्क्स आपके डिटेक्ट कर दिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है कैंडिडेट्स। तो जो नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ पर स्टेज 2। स्टेज 2 बेसिकली यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में क्या होगा वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट ये आपका एक टेक्निकल राउंड ही यहाँ पर रहने वाला है। एंड जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टेज 3, एंड स्टेज 3 आपका या तो इंटरव्यू होगा या फिर ये आपका होने वाला है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट मोस्टली इसमें जो आपका IQ लेवल है वो यहाँ पर चेक किया जाता है। एंड हाँ जी, एक चीज़ मैं भूल गया था, स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर 30 मार्क्स का रहेगा एंड जो यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा वो आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो जो टोटल मार्क्स जो मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगी उसमें सारे ही मार्क्स यहाँ पर काउंट किए जाएंगे स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के। तो स्टेज 1 आपका 100 मार्क्स का था, जो स्टेज 2 है वो आपका 30 का एंड स्टेज 3 जो है वो आपका 20 का, तो टोटल आपके 150 मार्क्स यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। एंड उसका जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। एंड जो लास्ट है ये है आपकी सैलरी, तो यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो ही आपकी यहाँ पर 40,000 रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी खासी सैलरी है एंड काफ़ी रेप्यूटेड है, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में वैसे भी पता ही होगा, ठीक है कैंडिडेट्स। तो ये है। एंड देखिए अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें मिल जाएगा, बाकी हर एक स्टेट के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो निकाले गए हैं, तो आपके आसपास जो भी पड़े आप लोग वही सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे टोटल 5 जो सेंटर्स है वो सेलेक्ट करने रहेंगे, ठीक है कैंडिडेट्स। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी जो है हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।